मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव डन लेसन नंबर 20 कंजक्शंस. थ्री वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ठीक है, दो टाइप के हो चुके थे एक हमारे कंजक्शंस. तो आज हम जो हमारा थर्ड टाइप का जो कंजक्शन है वो कंटिन्यू करेंगे. द नेम ऑफ द थर्ड कंजक्शन इज कोरिलेटिव कंजक्शन. ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा एक रिवीजन लेते हैं जो कंजक्शन का, कि कंजक्शन था क्या. सबसे पहले तो कंजक्शन आर वर्ड्स दैट आर यूज टू जॉइन वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, ठीक है, एंड क्लॉजेस. जो सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, दे आर नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स, यू कैन से, और दे आर नोन एज कंजक्शंस. वी हैव थ्री टाइप ऑफ कंजक्शन बेटा. फर्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड वन इज़ सबऑर्डिनेटिंग एंड थर्ड वन इज़ कोरिलेटिव कंजक्शन. जो फर्स्ट वन था हमारा कोऑर्डिनेटिंग, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक्रोनोम्स, देयर आर सेवन कंजक्शन वर्ड्स. ठीक है, और इनका एक्रोनेम्स था फैन बॉयज के नाम से हम इनको रिमेंबर कर सकते हैं. उसके बाद हमारा जो सेकंड वन है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसके लिए यूज़ होगा, जॉइन द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज. क्लॉज में हमने दो टाइप के क्लॉज किए थे जब हमने क्लॉज करे थे. एक तो था हमारा मेन क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज था इट इज़ नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. यानी कि ये अपना मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसको फर्स्ट वाले क्लॉज का सहारा लेना पड़ा. ठीक है, यानी कि अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए उसके ऊपर डिपेंड पड़ना हुआ, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो ये था हमारा सबऑर्डिनेटिंग मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. और जो सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है हमारा मेन क्लॉज के बाद आएगा लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले आएगा. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे ये थे कि हमारे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो क्लॉज हैं और जो पहला क्लॉज है अपना मीनिंग क्लियरली दे रहा है लेकिन जो दूसरा क्लॉज है वो अपने मीनिंग को क्लियर नहीं कर पा रहा है, अकेले क्लियर नहीं कर पा रहा है. लेकिन जब हम फर्स्ट वाले क्लॉज को पढ़ते हैं, जब हम उन दोनों सेंटेंसेस को कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम उनको जोड़ेंगे और जब हम दोनों को पढ़ेंगे तभी उस सेकेंड वाले का मीनिंग क्लियर हो रहा है. तो वहाँ पर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करेंगे क्लॉज में. अब जो हमारा थर्ड वन है वो है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन. जो कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं आर ऑलवेज यूज इन पेयर्स. जो कोरिलेटिव कंजक्शन है वो बेटा हमेशा पेयर्स में यूज़ होंगे. ठीक है, टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस. जो हमारे दो स्टेटमेंट, दो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं इक्वल इम्पॉर्टेंस के, मीन्स दोनों ही सेंटेंस इक्वल है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, अपना मीनिंग क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पर हम कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज़ करेंगे. ओके, और हमेशा कोरिलेटिव कंजक्शन बेटा पेयर में होता है, जैसे कि नीदर नॉर, इधर और, सच एज. ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, नो सूनर देन, सच दैट, ये हमारे क्या हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं. तो सबसे पहला है हमारा एग्जाम्पल है नीदर अजय नोर अक्षित. मैंने आपको बताया था जो नीदर नोर है दोनों ही हमारा नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होंगे. नीदर अक्षय, ना तो अजय नोर अक्षित, और ना ही अक्षित एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू जॉइन योगा क्लासेस. दोनों में से किसी ने भी जो योगा क्लास को जोड़ने में को ज्वाइन करने की उत्सुकता दिखाई. ठीक है, किसी ने इच्छा दिखाई, कोई भी, दोनों में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि बिल्कुल ही नेगेटिव है. ना तो अजय का कोई रिस्पॉन्स था, ना ही अक्षित का था. ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखेंगे. एवरी संडे इधर आई गो फॉर अ स्विम और आई गो फॉर द गिटार क्लासेस. हर संडे को या तो मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ या फिर मैं गिटार, यानी कि दोनों में से जो भी चीज़ उस टाइम के लिए पॉसिबल हुई उनमें से मैं एक ऑप्शन ज़रूर लेता हूँ, या तो स्विमिंग के लिए जाता हूँ या गिटार के, एक ऑप्शन तो पक्का है. लेकिन फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो अजय और ना ही अक्षित, दोनों में से किसी ने भी योगा क्लास के लिए ज्वाइन करने के लिए हामी नहीं भरी. ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कोरिलेटिव कंजक्शन. जो ये एग्जाम्पल दिए गए ऊपर वाले, इनमें क्या है, जो वर्ड्स थे ये क्या थे, कोरिलेटिव कंजक्शन हैं. जैसे कि इधर और किसके लिए यूज़ होगा बेटा, शो चॉइसेस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज इन अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंस मीन्स पॉजिटिव वे में. ठीक है, अफर्मेटिव होता है बेटा हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस, हमने सेंटेंस के टाइप किए थे ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव. तो अफर्मेटिव क्या था हमारा, पॉजिटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस. ओके,
यू कैन गो इधर बाई मेट्रो और बाई टैक्सी. आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप मेट्रो का यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और यू कैन गो बाई टैक्सी, या फिर आप टैक्सी से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव वे में लेंगे. उसके बाद हम देखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो. दोनों ही वर्ड अगर आप एज अ कंजक्शन यूज़ कर रहेंगे तो अलग अलग नहीं, पेयर में यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि कहाँ पे यूज़ होगा, यूज़ टू रेफर टू एक्शन, जहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं वहाँ पर. ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है, बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन मेहनती भी है. ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो केवल इंटेलिजेंट ही नहीं है, बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि क्या है, वो हार्ड वर्किंग भी है. नेक्स्ट है सच दैट, सच दैट शो अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि किसी कारण से जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो दिखाता है. ठीक है, सच वाज हर टैलेंट दैट शी डिफीटेड हर अपोनेंट ईजिली. ये उसका टैलेंट था कि वो अपने जो अपोनेंट है, जो उसका विरोधी है, उसको आसानी से उसने हरा दिया. ठीक है, नो सूनर देन मीन्स इससे ज़्यादा जल्दी नहीं. यूज्ड व्हेन वन एक्शन फॉलो अनदर इमीडिएटली, हम नो सूनर देन का कब कहाँ पर यूज़ करेंगे. यूज्ड व्हेन वन एक्शन फॉलोज अनदर, जहाँ पर एक एक्शन के इमीडिएट बाद, मीन्स एक एक्शन के को दूसरा एक्शन फॉलो करता है. ठीक है, जैसे नो सूनर, नो सूनर हमेशा पहला आएगा. नो सूनर हैड आई रीच द थिएटर, ठीक है, नो सूनर हैड आई रीच द थिएटर देन द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही मैं मतलब थिएटर में पहुँचा, देन द मूवी स्टार्टेड, और मूवी क्या होगी, स्टार्ट होगी. ठीक है, तो एक एक्शन हुआ, उसके तुरंत बाद, इमीडिएटली उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ, तो वहाँ पर हम नो सूनर देन का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा कोरिलेटिव कंजक्शन, जिसमें हम नीदर नॉर ईदर और सच एज, सॉरी सच दैट, नो सूनर देन, इन कंजक्शंस का, इन कोरिलेटिव कंजक्शंस का यूज़ करेंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए. सेंटेंस कौन से जोड़े जाएंगे, ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस के सेंटेंसेस में हम जोड़ेंगे. ठीक है, जैसे आपकी एक्सरसाइज है सेकंड वाला, यू कैन पे द बिल इन कैश द चेक. देखो यहाँ पर कैश और चेक में बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है. ठीक है, पॉजिटिव में है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो यू कैन पे द बिल ईदर इन कैश और बाय चेक. ठीक है, ओके, थर्ड वन, डैश हैरी डैश योर सिस्टर कुड अंडरस्टैंड व्हाट देयर फ्रेंड्स. ठीक है, जो डैश हैरी, यहाँ पर हम नेगेटिव में चलेंगे, नेगेटिव देखेंगे, कुड अंडरस्टैंड व्हाट देयर फ्रेंड्स स्पोक इन तेलुगु, वो नहीं समझ पाए कि उनके फ्रेंड्स ने तेलुगु में क्या बोला. ठीक है, तेलुगु में हैरी और उसकी बहन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या बोला, वो कुछ भी समझ में नहीं पाए. देखो नेगेटिव सेंस निकली है, तो नेगेटिव यहाँ पर कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है. नीदर हैरी नॉर हिज सिस्टर, ना तो हैरी और ना ही उसकी बहन. ओके, लास्ट सॉरी फिफ्थ वाला है, डैश वाज इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये क्या है, इम्पैक्ट है, प्रभाव है अर्थक्वेक का. ठीक है, डैश इट शुक द एंटायर बिल्डिंग, की जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो हिल गई, शुक मीन्स हिल गई. ठीक है, थर्ड फॉर्म है शेक शुक शेकन, सेकेंड फॉर्म है. तो फिफ्थ वन का ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन हम यहाँ पर भरेंगे, सच, सच वाज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, ये देखो इस भूकंप का प्रभाव है, दैट इट शुक द एंटायर बिल्डिंग. ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर शो हो रहा है कि अर्थक्वेक आया और उसका इफेक्ट क्या हुआ, कि पूरी की पूरी बिल्डिंग हिल गई है. उसके बाद डैश यू लव देम हेट देम यू हैव टू एडमिट दैट यूथ बैंड्स आर वेरी पॉपुलर. हम इसमें ए ऑप्शन भरेंगे, वेदर यू लव देम, ऑप्शन आएगा बेटा यहाँ पर वेदर, या तो तुम इसको यू लव देम प्यार करो और हेट देम, या आप इसको प्यार करो या फिर आप इसको भाई नफरत करो इसे. ये लेकिन आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, जो यूथ बैंड्स हैं, जो युवा लोगों के जो बैंड्स हैं, यानी कि म्यूजिक बैंड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन फिल करेंगे, वेदर. और सेवन्थ वाला, डैश इंग्लिश डैश हिंदी आर स्पोकन इन आवर स्कूल बोथ, हम यहाँ पर भरेंगे डी ऑप्शन, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, देखो सिमिलर टाइप है दोनों का ही, और हमारा एक ही सिमिलर टाइप का है, तो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर स्पोकन इन आवर स्कूल. एट्थ वन,
हैव यू मेड योर डिसीजन अबाउट डैश टू गो बाई ट्रेन डैश बाई फ्लाइट. देखो बेटा यहाँ पर भी ऑप्शन ही दिया गया है. हैव यू मेड योर डिसीजन अबाउट वेदर टू गो बाई ट्रेन. देखो यहाँ पर एक तो ईदर भी आ सकता है गो अबाउट ईद, लेकिन यहाँ पर ये ईदर नहीं आएगा बेशक इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है. यहाँ पर आएगा वेदर और. ठीक है, हैव यू मेड योर डिसीजन अबाउट वेदर टू गो बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट. ठीक है, अबाउट ईदर टू. हाँ, अगर आप यहाँ पे ईदर भी भरना चाहते तो ईदर भी सही होगा, लेकिन वेदर भी यहाँ पे सही है. ठीक है, हैव यू मेड योर डिसीजन अबाउट ईदर टू गो बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हैं और दोनों ही सेंटेंस बी और सी दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन सही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड पोर्शन था टाइप्स ऑफ कंजक्शन में कोरिलेटिव कंजक्शन वो कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे मैसेज पे फ़ोन पे मैसेज करके अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो जब आपकी जूम क्लास होगी तो जिस बच्चे के जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगी. ठीक है, थैंक यू.